पानी की जरूरत जिंदगी के हर मोड़ पर होती है, पर इस्तेमाल किए गए पानी को साफ करना एक मुश्किल काम है। जर्मनी जैसे विकसित देशों ने तो इसे जरूरी बना दिया है, लेकिन अभी भी कई देशों में इस्तेमाल किए गए पानी को साफ करने का पक्का इंतजाम नहीं है। यूरोप का एक छोटा सा देश है मोंटेनेग्रो, सैर सपाटे के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इसे पानी की सफाई की चिंता सता रही है। मोंटेनेग्रो एड्रियाटिक सागर का खूबसूरत देश, कभी अमीर और मशहूर लोगों की पसंदीदा जगह, अब फिर उन्हें लुभाने की कोशिश हो रही है। समुद्र तट पर पिछले सालों में कई लग्जरी होटल बनाए गए हैं। यहाँ पानी की जबरदस्त मांग है, हर नए होटल के साथ मांग और बढ़ जाती है। आधुनिक तरीके से पानी सप्लाई के लिए मोंटेनेग्रो ने बहुत पैसा लगाया है। पर्यटन को बढ़ावा देना है तो ये जरूरी भी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि इस्तेमाल पानी को दोबारा साफ किया जाए। हर्सेग नोवी में होटलों के ठीक पीछे नया पंपिंग स्टेशन तैयार किया जा रहा है। यहाँ गंदे पानी को समुद्र में डाले जाने से पहले साफ किया जाएगा। एक जर्मन टीम इस प्रोजेक्ट को देख रही है। कोशिश है कि अगली गर्मियों तक इसे पूरा कर लिया जाए, ताकि गंदा पानी सीधे समुद्र में न जाए। प्रोजेक्ट पर 15 करोड़ यूरो लगे हैं। पिछले 30 साल में ये देश का सबसे बड़ा निवेश है। इस रकम का बड़ा हिस्सा जर्मन विकास बैंक ने कर्ज दिया है। वक्त पर काम पूरा करना जरूरी है। सैलानियों का मौसम शुरू हो उससे पहले इस 1000 मीटर लंबी पाइप को समुद्र तक पहुंचाना होगा। ये सियाउट फॉल का मामला है। इसका मतलब ये हुआ कि साफ किए गए पानी को सफाई प्लांट के इस पाइप के जरिए 35 मीटर नीचे समुद्र में डाला जाएगा। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली पनबिजली यहाँ की 70% बिजली की जरूरत को पूरी करती है, और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। भविष्य के लिए हर हाल में फायदेमंद होगा कि प्लांट की लाइफ टाइम 30 साल बढ़ जाएगी। ये प्लांट 37 साल पुराना है। इसकी कितनी भी अच्छी देखभाल क्यों न की जाए, ये बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। बिजली के प्लांट की सुरक्षा सबसे जरूरी है, और जरूरी ये भी है कि पर्यावरण को ये नुकसान न पहुंचाए, यानी ग्रीन बिजली प्रोडक्शन। ग्रीन बिजली यानी ऐसा तरीका जिसमें कोयले या तेल के बनिस्पत कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता हो। प्लांट के आधुनिकीकरण के बाद और ज्यादा ग्रीन बिजली तैयार होगी। इसके लिए 3 वाटर टरबाइन में से एक को बंद किया जा रहा है। ये आसान नहीं, क्योंकि इन टरबाइनों पर पानी का जबरदस्त दबाव है, लेकिन जरूरी पुर्जों को जल्द बदलना होगा, ताकि आने वाले दिनों में इससे फिर बिजली बन सके। कंट्रोल रूम में लोग थोड़ा नर्वस हैं। क्या सब कुछ योजना के मुताबिक होगा? पहले टरबाइन के बाद दूसरे टरबाइनों पर काम होगा। स्विच गियर बदला जाएगा, ताकि आधुनिक प्लांट बिना रुकावट के काम करता रहे।